तुझे सामने देख दिल थामने मैं लगा तू नजर ना चुरा तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा यूं ही फैंटेसी ना बना तू बेकार ताके शक्ल देख जाके जरा खैर अपनी मना आगे पीछे फिरे है क्यों तमाशे करे है होने वाला नहीं कुछ तेरा ख्वाब देखे तू देखे कोई तुझको ना रोके पर अभी होश कर तू जरा कैसे इतना रही है क्यों उड़ी जा रही है रख तू जमी पर जरा कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा तुझे अब है नहीं छोड़ना सोच कर तो बढ़ा ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप तू जा अपना चेकअप करा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है ये भी ना जाने राजे की हीर सोनिए बड़ा तू रोमियो शोमियो ये भी ना जाने राजे की हीर सोनिए शातें बनाना दूसरों को सताना तूने सीखा कहाँ से बता उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता ये अकड़ ना भी तेरा दिल है धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे हाथ में हाथ मुझको थमा दिल तेरा तू कर ले बहाना मगर लेके जाना जरूरी हुआ दिल तेरा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए रुक दो बस बस बाजी पैसे तो दे दो भागी जा रही हूँ अफलातून आएगा तो दे देगा बाजी ये अफलातून कौन है पुलिस वाला है बुलाऊं क्या ड्राइंग रूम की सैर कराएगा तुम्हें ओ बाजी मजाक नहीं करो मुझको मेरे पैसे दे दो अरे चुप करो ये
इतनी प्यारी लग रही है, इतनी देर लगा दी। क्या मैं क्या करती, वो पागल है ना अफलातून। उसके अरे यार किधर है क्या अफलातून, इसका किराया देना है उसने। बारात आ गई क्या? अरे नहीं ना, फोन को फोन कर। वो रोहित तो फोन ही नहीं उठा रहा, उसका फोन बंद है। लोगों ने डंगर चारे होंगे, नजर ने बंदे चारे। पहले कह रहे थे निकल रहे, फिर कह रहे थे रास्ते में, अब फोन नहीं उठा रहे। मैं समझ गया, जरूर कोई गड़बड़ है। तू तो चुप कर, रिक्शे वाले को पैसे दे, चल। हाँ आराम से, मेरे पैसे। देख नहीं रहे, बिजी हैं, जाके दवा खाने से लेना पैसे। ओ भाई मैं किसी दवा खाने को नहीं जानता, तो मुझको पैसे दे, मैं जाऊं। इधर आ मेरे साथ। आ मेरे साथ, आ जा इधर। आज हकीम साहब, हीर इसके साथ पार्लर से यहां तक आई है, किराया दे। पता नहीं किसने इसको बता दिया कि मैं घर दमा दूं, किराया नहीं ले रहा मुझसे। ओए हेलो, ओ काया, आफ्टर ऑल मैं दमा दूं, इज्जत ही नहीं कोई मेरी। अफलातून, तू हमारा बारात अभी तक नहीं आई, जा नजर के साथ जाके पता कर क्या, और रोमियो से मेरी बात जरूर कराना। हाँ बाप, कॉल करूंगा, कॉल बैक कर लेना, बैलेंस नहीं है मेरे पास। नजर बेटा, तू चला जा। हाँ। वो मेरी बात जरूर कराना है। हाँ, हाँ। बल्कि तू बारात भी ले के आना। हाँ, हाँ। अब्बा, वो इतने सारे लोग मैं मोटरसाइकिल पर कैसे लेकर आऊंगा? हेलो हेलो एसएचओ साहब, डॉक्टर शहनाज राजा हियर, वो मेरा बेटा है ना रोमियो। मुझे पूरी इत्तला है हमारे पास, शादी मुबारक हो। वो दोपहर से पार्लर गया हुआ है, वापस नहीं आया। आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं? जी मुबारकबाद तो मैंने शादी की दी है, जहां तक पार्लर से ना आने का ताल्लुक है, वो जी पहले लड़कियां पार्लर में जाती थी, उनका दिल नहीं करता था आने का, अब लड़कों का भी यही हाल है। आ जाएगा जी। किसी को नहीं पता वो कहां है, उसका फोन भी बंद जा रहा है, गाड़ी उसकी पार्लर के बाहर है। अच्छा, कोई जबरदस्ती शादी का चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं, ये उसकी पसंद की शादी है। पार्लर वाले कह रहे हैं कि वो पार्लर के अंदर ही नहीं आया। और आप हौसला रखे जी, घबराए नहीं, मैं नफरी लेकर पहुंचता हूँ। इसी पे कोई शक वक? क्या? नहीं नहीं, क्या कह रहे, अगवा की पॉसिबिलिटी? रोली बाजी, रोली बाजी, शहनाज हेल्प मी, हेल्प मी, पुप्पू के लिए पानी लेके आओ। रोली बाजी, शहनाज हेल्प मी, शहनाज, रोली बाजी, रोली बाजी, रोली बाजी। अरे तुम क्या पुप्पू की वीडियो बना रही हो, मैंने तुमसे कहा था पुप्पू के लिए पानी लेके आओ, तुम वीडियो बना रही हो। रोली बाजी, रोली बाजी, होश करे। अगर रोमियो के ससुराल वालों ने कोई ऐसी वैसी हरकत की है, मैं उसकी शादी वहां हरगिज नहीं करूंगी। ठीक है, बाहर मेहमान अजीब अजीब बातें करें कि बारात नहीं आई। हीर की बारात तो रोमियो है, वही आ जाता, पता नहीं कहाँ है। ये रांझे भी भैंसे चराते रहते हैं और हीरे किसी और की डोली में बैठ जाती हैं। मैं वो हीर नहीं हूँ, मैं तो खुद रांझे को डोली में ब्याह कर लेकर जाऊंगी। तुम ही तो कहती हो जो सब इजली हो जाते बहुत बोरिंग हो जाते। लगता है आज रोमियो भी ट्विस्ट के मूड में है। हे, ये कैसा ट्विस्ट है?
इसमें हीर ही नहीं। हीर अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं रोमियो को ढूंढ रहा हूँ। ओ अंधेरे में तुम अपनी ऐनक ढूंढ नहीं सकते, रोमियो को क्या ढूंढोगे? रोमियो का फोन आया, अब तो मौलवी भी चला गया ये कह के कि कहीं और निकाह पढ़ाना। लगता है हीर को ही कुछ करना पड़ेगा। चुप करके बैठी रहे, अब कोई तमाशा मत करना। पता नहीं क्या करूं, मैं जा रही हूँ। मामा बता रही थी कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। रोमियो खुद परेशान है, शांते को कैसे बताए? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी। वही तो मैं भी सोच रही थी, तुम इतने हैंडसम हो, खूबसूरत हो, तुम एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो? मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो हीर की मंगनी हो रही है ना, तो तुम्हें भी मंगनी कर लेनी चाहिए। वो खुश हो रहा हूँ मंगनी की बात सुनकर। मेरे पापा मंगनी करना चाहते हैं। मेरी मामा को पता चले मेरे पापा मंगनी कर रहे हैं, जान से मार दे उन्हें। अच्छा जोक छोड़ो, मेरे पापा तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है ना मंगनी करने से? तुम्हारे पापा मंगनी करें या शादी, मुझे क्या इतराज हो सकता है? ओह थैंक यू रोमियो। रोमियो 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 बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बताओ ना यार, मुस्कुराओ मत, मुंह से बोलो ना। अरे चलो अपना मूड ठीक करो, तुम्हें पता है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मेरी तुमसे मोहब्बत और हीर से जंग। मैं कहाँ हूँ? रोमियो तुम अपने घर पे, और तुम्हें पता है आज हमारी शादी है, मौलवी साहब भी आ रहे हैं। शादी? आज तो मेरी शादी है हीर से। वह क्या हुआ है रोमियो? मैं ही हीर हूँ, मैं ही लैला, मैं ही जूलियट, और मैं ही श्री, और मिसेस रोमियो भी मैं ही। हीर, रोमियो, 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 ओ रोमियो, मेरा रोमियो, मेरा रोमियो। मेरा रोमियो, मेरा रोमियो, मेरा रोमियो, मेरा रोमियो। ही
हीरे नी हीरे पुली नक दी जे दिलू भी हीरे छड़ी नक दी जे दिलू भी हीरे नी हीरे जेदी पुली नक दी नी हीरे जेदी पुली नक दी जेदी हीरे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये क्या कर रहे है? हया कर हया। या उम्मी, कुल्लू दूल्हा ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तू अहलन व सहलन मरहबा बोलने की बजाय हया कर कह रही है। शादी हीर की है, दीवाना तू हो गए। या उम्मी, मुझे पता चला है कि उसकी बारात नहीं आ रही। दूल्हा मफरूरतुन जेदी सरोतन। मैंने जुत्ती उतार लेनी है। या उम्मी, ये जुत्ती जितनी पुरानी है इसे तू उतार दे तो बेहतर। या उम्मी, वैसे एक बात सोच, अगर उनको इमरजेंसी में दूल्हा चाहिए हुआ, इधर मैं तैयार हुआ, उधर मेरी हीर से शादी हो जाएगी। जेदी तुझे क्या हो गया है? गाड़ियों की पटनी होती है, राहों की पटनी नहीं होती। या उम्मी, तू अपने हसीन और जमील बेटे को फिर से अंडर एस्टिमेट कर रही है। तू एक काम कर, तू शादी हॉल जा और उधर जाकर कह दे अगर उनको कोई भी मुश्किल काम है वो हमें वहीं से आवाज मार दे। तू मेरी बेइज्जती करवाएगा करवाएगा। तेरी बेइज्जती कैसे होगी? तू तो उनकी इज्जत बचा रही है, तेरी तो इज्जत होगी। तू तो एक काम कर या उम्मी, तू उनके कान में जाकर ये बात डाल दे कि जेदी 5 मिनट के नोटिस पे दूल्हा बन सकता है, बल्कि नोटिस भी निकाल दे, नोटिस के बगैर दूल्हा बन सकता है। इधर वो हामी भरे, उधर तू मुझे मिस कॉल मार देना है। मुझे लगता है हकीम साहब के पास जाना ही पड़ेगा। ओ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ या उम्मी। उनके दवा खाने तेरे दिमाग की दवा लेने। या उम्मी, तू कभी सानू तरक्की ना करन दी। निहीर निहीर पुली नक दी जे दिनू भी हीर निहीर छड़ी नक दी जे दिनू भी हीर। शादी वाला माहौल की नहीं रहा। नहीं, अफलातून तो किसी गलत घर में तो नहीं लाए? नहीं, यही है नजर भाई। हेलो, इधर। हेलो। मतलब इस घर के इकलौते लड़के की शादी हो रही है और उसके ससुराल वालों से पूछा जा रहा है कि किधर। नजर भाई, मुलाजमों के मुंह नहीं लगते। संजीव, वो प्रोफेसर टीके नहीं थी, वो प्रोफेसर शहबाज और डॉक्टर शहनाज हैं। वो नहीं है घर पे, मनाल भी अंदर हैं। मनाल भी को बोलेंगे मिस्टर अफलातून आए। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। वैसे इस घर का कोई तौर तरीका नहीं है, ससुराल का बंदा है यार, तो उसको वेलकम करने खड़ा हो, तो बातचीत हो। हो गई है यार, क्या यार वाहियात हो गई है, खुदा की कसम हाथ हो गई। चार, 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 चार। रोली पप्पो, ये रोमियो भाई के ससुराल वाले हैं। अच्छा, रात को नींद ना आने से ना मुझे पता चल गया था कि रोमियो इस शादी से खुश नहीं है। वो जी, मैं आफ्टर ऑल दमाद हूँ, मेरा पूछना बनता है बारात कहाँ पहुंची अभी? थाने, मेरा मतलब गए हैं मामा बाप। वो जी, मुझे समझ में आ गई है, वो बारात ने हवाई फायरिंग की होगी ना, इसलिए पुलिस थाने ले गई है। लड़का भी भाग गया, नहीं तो बारात ने कहाँ जाना था। लोगों की लड़कियां भागती हैं, इनका लड़का ही भाग गया। कहाँ भाग गया, कैसे भाग गया? आपकी किसी से कोई दुश्मनी है? गाड़ी के बगैर साथ जाने से तो लगता है कि उसे कोई साथ ले गया। एसएचओ साहब, आज रोमियो की शादी है, वो किसी और के साथ कैसे जा सकता है? मुझे तो ये किडनैपिंग का केस लगता है, हमें अगवा घरों के फोन का इंतजार करना चाहिए।
रोमियो का फोन भी ऑफ है और उसने हीर से रब्ता भी नहीं किया। आपको पक्का यकीन है कि उसकी शादी उसकी मर्जी से हो रही है? अरे यार, आपको कितनी मर्तबा बताया कि ये उसकी लव मैरिज है। हवलदार, यस सर, तुम ब्यूटी पार्लर के कैमरे से रिपोर्ट निकाल के मुझे रिपोर्ट करो। हाँ, फौरन। आप लोग परेशान नहीं हो, करती हो जाए, हो जाए, परेशान ना हो, परेशान ना हो। हकीम साहब, अब तो सब पूछ रहे हैं, हमने आगे करना क्या है? कितनी देर इंतजार करेंगे बारात का? उन्होंने तो हमें सबके सामने जलील करके रख दिया, ऊपर से नजर और अफलातून नहीं आए। वो आ गए, वो आ गए। बारात लेके आए हो? उधर तो ना बारात थी ना बारात का कोई नामो निशान, बंदे का भी कोई पता वता नहीं था वहां पे, बारात का भी कोई अता पता नहीं। मुझे तो लगता है उन लोगों का शादी का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, ना घर पे लाइटें लगी, हमें तो किसी ने बैठने को नहीं कहा, झूठे मुंह नहीं पूछा, खड़े खड़े गए हैं और आए। मनाल तो तैयार होके बैठी हुई थी, बेचारी बड़े परेशान थी, रोमियो भाई लापता, उनके अम्मा अब्बा खाने गए। सब बहाना है कि इंसाफ के लड़का भाग गया, सब भी भगोड़े हैं। जे पहले से पता होता तो हम इतने लोगों का खाना तो ना बनवाते। मैं पहले ही कहता था ये लोग ठीक नहीं है, शुक्र है अब पता चल गया। शुक्र किस बात का, अपनी बेइज्जती करवा लेगा। हकीम साहब, अगर आपने खाना नहीं देना तो कार्ड पे इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखाया था तो आम 8 बजे शब, ये तो सरासर धांधली है। ये बारात कब आएगी? ताकि सलामियां देके हम अपने अपने घरों में तो जाएं। मेरे बच्चे तो ऊपर से भूख के मारे रो रहे हैं। मेरे बच्चे तो भूखे ही सो गए, मुझे पता होता तो मैं घर से कुछ ले आती उनके खाने के लिए। अफलातून, इन्हें खाना खिलाओ और फारिग करो। उनके घर में शादी का माहौल ही नहीं है। अब शादी का माहौल भी हीर क्रिएट करेगी। चलती पड़ी रहती, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गई? तो हीरू मैं किस बात का घमंड है उसे? मैं पैंट पहन लूं तो उनके लड़के से ज्यादा खूबसूरत लगूं? हकीम साहब, आप कुछ करते क्यों नहीं? मेरी बेइज्जती करा दी, एमपीए पुदीना को पता चला कि मेरी साली की बारात ही नहीं आई तो क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? अब्बा जी, आप दोबारा फोन ट्राई करें ना। हैं? ये फोनों की ट्राइयों का टाइम है, जब खरीदना होगा तब ट्राई करेंगे। अब्बा जी, अब वो प्रोफेसर राजा को फोन करें, देखिए बेल जा रही है। चलो उठा ले। किसको अम्मा? ओहो, प्रोफेसर राजा को। हाँ उठा ले। अब्बा, अब्बा ये ले, बात करें। हेलो, हेलो प्रोफेसर राजा साहब, मैं हकीम लुकमान बोल रहा हूँ, अल मशहूर दवा खाने वाला। वो हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आप बारात कब लाएंगे जी? हम खुद बहुत परेशान हैं, रोमियो लापता हो गया है। प्रोफेसर साहब, हमारे मेहमान आए हुए हैं, शादी हॉल का टाइम भी खत्म होने वाला है, आप बारात लाए ना। हकीम साहब, यही तो बता रहा हूँ, रोमियो नहीं मिल रहा, लड़की के बगैर बारात कैसे लेकर आ सकते हैं?
मेरा बेटा और दामाद गए थे आपके घर, वहां तो बारात का नामो निशान ही नहीं था। वो तो हमने खुद भी आना था, बारात तो रखी नहीं थी। हैं? बारात रखी नहीं थी? ये नहीं पहले से आप लोगों का यही इरादा था? ये हकीम साहब, जरा रोब में बात करें, हमने बारात ही नहीं रखी। आफ्टर ऑल मैं तो बाहर हूँ, ये बेइज्जती है मेरी। एक तो तेरी बड़ी बेइज्जती होती है, अब्बा जी को बात तो कर लेने दे। प्रोफेसर साहब देखे, हमारी इज्जत का सवाल है, आप बारात लाए, हमारा बेटा नहीं मिल रहा और आपको अपनी बेइज्जती की पड़ी हुई है। हम अपने बच्चे के गायब होने पर बहुत परेशान है। ये बच्चे ने भी आपके आज ही गायब होना था, आपको हमें पहले बताना चाहिए था बच्चे की इस आदत के बारे में। आप समझ नहीं रहे, हम लड़के के बगैर बारात कैसे लेकर आ सकते हैं? हम माजरत खाए। अब्बा जी सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक है, मुझे सोचने दो, उन्होंने माजरत कर ली। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? आफ्टर ऑल मैं दबा दूं। ओहो चुप, कोई कुछ ना बोले। मजी सोच रहे हैं। अब सोचने का क्या फायदा ना, अब मैं सोचूं भी नहीं। हकीम साहब आप परेशान ना हो, मैं खुद हीर के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। हीर का रिश्ता आज ही होगा, बारात भी आज ही जाएगी, हीर दुल्हन भी आज ही बनेगी। हकीम साहब इतनी जल्दी ना, इस काम की आपने कोई माजून बनाई हुई है कि फरी? हीर की डोली आज ही उठेगी। अम्मा हमने तो डोली का इंतजाम ही नहीं किया, हम समझे दुल्हन कार में ही जाएगी। अरे हीर की शादी करेंगे किससे? लातूर ये रोटी खत्म हो रही है, पहले खाना खा लेते फिर इस मसले पे भी सोच ही लेंगे। अरे इस वक्त भी रोटी की पड़ी है, जिसकी बारात नहीं आनी चाहिए थी उसकी आ गई, और जिसकी आनी चाहिए थी उसकी। अफलातून खाना खत्म हो जाएगा। चले चल रोटी खाने। अफलातून आ जा। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी 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 हैया हैया, हबीबी हैया हैया। बी तू पागल हो गया, ऊंट की तरह उछल रहे तू। या उम्मी खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही, मैंने सोचा मैं पहले से ही दूल्हा बन जाऊं, फिर कहीं देर ना हो जाए। मां सदके मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, अच्छी सी दूल्हा लाऊंगी तेरे लिए, सारा सबर तो कर। या उम्मीद सबर का फल स्वीट शदीद। या उम्मीद अभी मुझे अफलातून का फोन आया और वो कह रहा है कि बारात लेके फौरन वहां पहुंचो। नहीं नहीं नहीं, तेरे साथ किसी ने मखौल किया है, घर से बाहर मत निकलना, बच्चे नहीं तो बट्टे मारेंगे तुझे। या उम्मीद तू अपने बेटे के हुसन को अंडर एस्टिमेट ना किया कर, मुझे अभी फोन आया है और उन्होंने बताया कि रोमियो भाग गया है और हकीम साहब मुझे वहाँ बुला रहे हैं। अरे हकीम साहब का आज दवाखाना बंद है, खुलेगा तो मैं खुद दवा ला दूंगी। या उम्मी तू खुद बात कर ले, लहजा शुइया।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाजा अल जेदी अल दुबई वाला। यार ये जल्दी से मेरी अम्मा को तो बता कि हकीम साहब ने मुझे खुद बुलाया। हेलो अफलातून, देख मेरे साथ मखौल मत करना, तेरी माँ की उम्र की हूँ मैं। पक्की बात है? सच बता। जल्दी, तेरी लॉटरी निकल आई। हैं? मेरी लॉटरी भी निकल आई? या उम्मी, मैंने लॉटरी कब ली? अरे जल्दी चल, इससे पहले कि मैं मुकर जाए। या उम्मी, तू तो दुआ करना कि वहां रोमियो ना पहुंचे, और तू तो हर वक्त तैयार ही होती है। ऐसे ही चलते हैं, आज मेरे यार की शादी। वक्त गाना तो ठीक कर ले, तेरी शादी है। ओहो गलत हो गया, एक मिनट में आ रहा हूँ। या उम्मी जल्दी आ, मैं आ रहा हूँ। आज जेदी की शादी है, आज जेदी की शादी है। लगता है भीड़ को ही रोमियो की बारात लेके जाने पड़ेगी। क्या मतलब? आके बताती हूँ। नहीं हीर, अरे हटो हीर, कहाँ जा रही है हीर? या उम्मी जल्दी जल्दी जल्दी, यानी जल्दी चले। अरे और कितना जल्दी? मेरी शादी निकल जाए। या अल्लाह, यानी नहीं निकलती, नहीं निकलती। किधर है? इधर इधर इधर। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, यानी देर नहीं होनी चाहिए। नहीं होती नहीं होती। किधर है? या अल्लाह, ओह या अबू, या सलाम अम्मी का। मैं तो कहती हूँ सेहरा उतार दे, वहाँ जाके दोबारा लगा लेना। या उम्मी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उधर जाके सेहरा उतारता रहूँ और फिर पहनता रहूँ। या अल्लाह। देखो बेटा देख लिया ना, सब ठीक है ना? अरे हाँ बाबा सब ठीक। पक्की बात है? हाँ। ओ भाई रुक, वो भाई कौन है तू? है सर, अंदर जाके बताओ कि दूल्हा आ गया है। भीख मांगने के अजीब तरीके अपनाए भिखारियों ने। 150 दे दो बाबा। दे दूं? अच्छा ये लो और आगे बढ़ो जाओ। है सर, अना जेडीएल दुबई वाला, मेरी इज्जत करो, मैं तुम लोगों के मुश्किल वक्त में काम आ रहा हूँ। अंदर जाके दुल्हन के बहन और भाई को बताओ कि दूल्हा आ गया है। ओ अच्छा, मैं हूँ दुल्हन का भाई और ये है दुल्हन का बाप। है? ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? अफलातून ने खुद फोन किया है और उसने कहा है कि दूल्हा नहीं आया, अपना दूल्हा लेकर पहुंचे। हट जा। बहन ये तो पागल है। अब भी भाई निकाह भी हो गया, दुल्हन की रुख्सती भी हो गई है। या उम्मी ये सब तेरी वजह से हुआ है, हो गई ना देर में। हट जाओ, मैं तो दुल्हन लेके जाऊंगा। हट जाओ। रुक रुक, दुल्हन ले जाएगा ना, अभी देता हूँ मैं तुझे। अरे भाई हट जा, सारा दूल्हा खराब कर दिया। हकीम लुकमान ने खुद क्या क्या तैयार करवाया था? ओए हकीम लुकमान बेटा, उनका तो बराबर में। माफ कर दे भाई, माफ कर दे, लगा तो नहीं। या उम्मी हट जाए, आपने दूल्हे को खराब कर दिया, हट जाए। भाई माफ कर दे, वहां चला जा। या उम्मी टाल, हट जा हट। हकीम साहब, हकीम साहब हाल वाले लाइटें बंद करने का कह रहे हैं, ये जेदी अभी तक क्यों नहीं आया? हकीम साहब मैं दूल्हा हूँ। लगता तो नहीं है लेकिन। भाई नजर जा बेटा, जल्दी से तू निकाह खां को लेकर आ। सारे काम मैं क्यों करूं, आफ्टर ऑल मैं तो दामाद हूँ। मैं लेके आ जाता हूँ, आप क्यों जहमत कर रहे? जी जी हकीम साहब। सलाम अलैकुम साजी, मैं दूल्हा हूँ, अने जेडीएल दुबई वाला। पहन जी बहुत बहुत मुबारक हो। जी 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 हकीम साहब, आपसे सर एक मिनट बात करें। हॉल वाले लाइटें बंद करवा रहे हैं, अफलातून से कहो कि वो निकाह को लेकर जाए हीर के पास। एक मिनट बात तो सुन ले। सुन रहा हूँ, सुना।
जरा इधर आके सुने। अच्छा जेदी बेटा तू जाके ना निकाह खां के पास बैठ जा। हाँ हाँ अब बता। हकीम साहब वो हीर भाग गई। अच्छा क्या किसके साथ? मोटरसाइकिल के साथ। तुम उठ के तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना? मैं आ गई। आज तुम मेरी शादी है। उनो 11 बज गए। हमारी शादी हो चुकी है। तुमने खुद हाँ में सर हिलाया था। What the get off me? रोमियो अच्छा बताओ मेरा ड्रेस कैसा है? तुम्हें पता है बेस्ट डिजाइनर का है। अच्छा चलो गेस करो उसकी प्राइस क्या होगी। मुझे नहीं पता हटो मेरे रास्ते से मुझे जाने दो। रोमियो रोमियो Get off. रोमियो 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 तुम कहां हो? ये कौन है? ये रोमी भाई की दुल्हन है। ऐसे कैसे दुल्हन है? है शादी हुई नहीं दुल्हन है। आए आए मेरा रोमियो। रोमियो कहाँ है? मैं उसके लिए 70 की स्पीड से बाइक चला के आई हूँ। तुम बाइक भी चला लेती हो? अभी ने तो बताया नहीं कि तुम बाइक भी चला लेती हो। मेरी रानी अभी ना बचपन से बड़ी अच्छी साइकिल चलाती है। अंकल आंटी कहाँ हैं? वो थाने गए। भाई की गाड़ी पार्लर के बाहर से मिली। पुलिस कहती है उनको किसी ने किडनैप किया है। जगह देख लिया है, हीरबाजी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। रोमियो के घर वालों ने तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और रही सही कसर हीर ने पूरी कर दी। ऐसे हकीम साहब आपने कोई कसर नहीं छोड़ी? जी क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं खाने की बात कर रहा हूँ। खाना बहुत लजीज था, बहुत टेस्टी। क्या हम तो बड़ा शराब भूल कर खाने पूरा पूरा फोकस था हमारा। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी है। किधर से बनवाया था? इधर ही से बनवाया था। असल में अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। अच्छा अच्छा। तो मैं इसीलिए पूछ रहा था उस कैटरिंग वाले का पता बता दो। लेकिन कोई ऐसी जल्दी नहीं है, बाद में बता दीजिएगा। थैंक यू जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
आज तो मेरा खुद किसी से मिलने को दिल नहीं कर रहा। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, नहीं बेचती हुई है आज में। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं। किम साहब, ये हॉल आपने कितने में बुक कराया था? यार, मैं अपनी बेटी के लिए बुक कराना चाह रहा हूँ, और वैसे तो मेरी बेगम मना कर रही है, कह रही ये हॉल तो बिल्कुल मनहूस है, इसे मत करना, यहाँ तो बराती नहीं आती। वैसे किम साहब, बड़े बेफैज लोग हैं आपके इलाके के, किसी ने सलाम यही नहीं दी। या अल्लाह, इसे सलामियों की पड़ी हुई है, हीर पता नहीं कहाँ चली गई है, और इसे पता नहीं अपनी सलामियों की पड़ी हुई है। अब मैं हीर को फोन कैसे करूं? इससे पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल कर सकता हूँ? जाके करो। कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, जैसा कुछ होता है तो मैं बता दूंगा, तुम बंद करो। जल्दी जल्दी लो भाई जाके करो भाई, सिर्फ फोन चाहिए। ओके, रुक जाओ, फोन लेके जाना, आंखें नीचे, आंखें नीचे, ऊपर नहीं। अबे फोन उठा ले। हेलो, show।